हे गाइस, आज के इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ये पूरा क्लियर करने वाले हैं कि जो इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है वो मतलब 14 जुलाई 23 अगस्त मतलब अगर हम इसे प्लस करते हैं तो पूरे 40 दिन निकल के आता है। तो मतलब ये 40 दिन चंद्रयान 3 को कैसे और कहाँ पे लगता है, तो ये पूरा जानकारी मतलब ये पूरा इन्फॉर्मेशन आज के इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो चलो वीडियो को देख कर समझते हैं सारा कुछ। हेलो गाइस, वेलकम टू जैस आर के ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज गाइस मैं इतना खुश हूँ इतना खुश हूँ कि यार पूछो ही मत, मतलब आज बहुत खुश हूँ। गर्लफ्रेंड मिलने आई होगी है ना? बस सर गाइस, ये बात तो गर्लफ्रेंड से मिलने से भी ज़्यादा मतलब खुशखबरी वाली बात है, मतलब मेरे लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए यार, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि फाइनली गाइस अपना चंद्रयान थ्री मतलब 23 अगस्त 2023 को फाइनली लैंड हो चुका है अपने मून पे, और तो मतलब ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है पूरे इंडिया के लिए। और यार मैं इंडिया तो यार दिल में बसा हुआ है, तो यार देख सकते हो। और अभी तो मतलब इंडिया के लिए मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये। तो फाइनली जो अपना लॉन्च हुआ था अपना चंद्रयान 3 वो मतलब 14 जुलाई 2023 को हुआ था, और फाइनली अभी 23 अगस्त 2023 को फाइनली लैंड हो चुका है अपना चंद्रयान 3। तो फाइनली अब ये सब तो आप जानते ही हो, मतलब 14 जुलाई और 23 अगस्त मतलब, और इसके बीच का जो दिन है मतलब इतना टाइम चंद्रयान 3 को कैसे लगता है, और मतलब इतना स्पीड होते हुए भी मतलब पृथ्वी से चांद की दूरी 384,000 किलोमीटर की दूरी, और ये जो बीच वाला टाइम है वो मतलब कहाँ और कैसे लगता है, तो वो भी पूरा वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। मतलब तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा चंद्रयान 3 है वो फाइनली लॉन्च होने के लिए रेडी है, और भाई लॉन्च होने जा रहा है, तो चलो देखते हैं पूरा वीडियो। तो फाइनली अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, और भाई अभी देख सकते हो आप लोग कि मतलब धुआं का गुब्बार छोड़ते हुए और भाई आसमान को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए जा रहा है हमारा जो चंद्रयान 3 है। और ये भाई पृथ्वी से चांद तक की दूरी मतलब 384,000 किलोमीटर का ये सफ़र ये कैसे तय करेगा, तो इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देंगे इसी वीडियो में। सो गाइस, जो हमारा चंद्रयान 3 है वो फाइनली 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, और फाइनली 23 अगस्त 2023 को फाइनली हमारा जो चंद्रयान 3 है वो एकदम सक्सेसफुली लैंड हो चुका है चंद्रमा पे। तो क्या आप ये भी जानते हो कि मतलब इतना समय चंद्रयान 3 को इतना स्पीड होते हुए भी चंद्रयान 3 को इतना समय कैसे लगता है चांद पे पहुंचने के लिए? तो चलो इसके बीच का जो दिन है वो भी समझते हैं, ये कहां मतलब कैसे इतना दिन लगाता है, तो चलो इसी वीडियो को देख कर समझते हैं। गाइस, सबसे पहले तो जो हमारा चंद्रयान 3 है वो 22 दिन तक पृथ्वी के ऑर्बिट में ऐड होके पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। 22 दिन के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर 6 दिन तक चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में ऐड हो जाएगा, और फिर 13 दिन तक चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। 40वें दिन में ये चंद्रमा के 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान से लैंडर अलग हो जाएगा, और फिर ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद ये लैंडर से रोलर बाहर आएगा, और 14 दिन तक ये चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा।